हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव गंगवार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू वेलकम इन माय चैनल सिंप्लीफाइड बायो। अगर आपको ये मेरे वीडियोस जो मैं रोज़ आपके लिए लेके आता हूँ, अगर ये आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे दैट इज़ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब किसी चीज़ की हमें फॉर्मेशन करनी है। और माइक्रोस्पोर, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्पेशली एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है, एन होती है। और कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। और जो तीसरी बात है कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, माइन्यूट स्पोर्ट्स होते हैं। ये आज हमें इस स्पोर्ट्स को, माइक्रोस्पोर्ट्स को हमें डेवलप करना है बाय द प्रोसेस वी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसका सिंपली मीनिंग ये हुआ कि वी हैव टू डेवलप द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो अब हम MMC के बारे में भी आपको कुछ बातें बताएंगे कि ये कहाँ पर मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपके सामने जो इमेज ये प्रेजेंट की है, इसकी सारी डिटेल मैंने अपने L2 वीडियो में आपको बना के दिखाया है कि किस तरीके से ये जो हमारी सीरीज़ है जिसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, इस वीडियोस को आप देखिएगा कि मैंने इसमें इसका डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर किस तरीके से मैंने आपसे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब यू हैव टू, इसकी डेफिनेशन अगर हम इसको समझेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल। या इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास माइक्रोस्पोर, इसको हम लोग शॉर्ट में PMC भी बोल देते हैं। और ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका तो आप सभी अवेयर होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं MMC। तो देखिए, ये इनसे हमें ये ऑब्टेन करना है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फिनोमेना है, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो साइट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, वो कहाँ होती है, तो इसका आंसर होगा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि अब हम जो सेकंड जो हमारी चीज़ हमें जो आपको समझानी है कि ये PMC और MMC हमें कहाँ मिलेंगी। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में आपको बताएं, तो जो पहली लेयर होती है दैट इज़ द एपिडर्मिस, सेकंड लेयर इज़ द एंडोथीशियम विच हैज़ द स्ट्रोमियम प्रोवाइड्स द पॉइंट ऑफ डाइसेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन, और थर्ड वन इज़ द मिडिल लेयर जो कि 1 या 2 लेयर्ड है, ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। एंड द मोस्ट न्यूट्रिटिव आउट ऑफ दिस 4 इज टेपेटम, और बाकी ये जो ऊपर की जो तीनों हैं ये लगभग प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं। तो टेपेटम जो है वो नरिशमेंट देने का काम करती है और इसका माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट होती है। अब ये सब बनने के बाद जो आप ये बीच में देख रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, ये एक्चुअली क्या करता है कि ये वेरियस प्लेन में अपनी, क्योंकि टिश्यूज़ हैं, इसका मतलब इसके इनसाइड तो सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो सेल्स होंगी तो वो वेरियस टाइप्स, जो सेल्स हैं वो वेरियस टाइप का डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। और जो डिवीज़न होता है वो हमारा एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल टाइप का होता है। तो ये भी मैंने आपके जो L2 वीडियो है उसमें डिस्कशन किया है कि एंटीक्लाइनल क्या होता है और पेरिक्लाइनल क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो डिवीज़न करने के बाद जो स्पोरोजेनस टिश्यू है हमारा, एक्चुअली इसको हम लोग और भी बेहतर कह सकते हैं कि ईच आफ्टर द डिवीज़न मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईच सेल ऑफ दिस स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव लाइक ए MMC, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर PMC पॉलन मदर सेल, इसकी तरह काम करती है।
तो मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन मुझे आपको देना है, तो इसलिए मैं इतनी सारी जो रेड कलर की मैंने यहाँ पर ये स्पोरोजिनस टिश्यू या पीएमसी और एमएमसी दिखाई हैं, तो इसमें से मैं केवल आपके सामने ये टोटल 8 को मैं ये बाहर निकाल रहा हूँ ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से आउट करता हूँ। तो दीज आर द आवर पीएमसी 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 एंड 8। ये देखिए ये जो मैंने ग्रुप बनाया है ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने इसमें से इस स्पोरोजिनस टिश्यू में से ये 8 mmc को बाहर निकाला है। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन। देखिए ये आपस में भी एक इनमें कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ये जो मैं बना रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि इनसाइड जो आपस में ये ग्रुप्ड जब बनता है बहुत सारे, मैंने आपको केवल 8 मैंने दिखाई हैं ताकि आपको अपनी बात अच्छे से समझा सकें। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये आपस में इन दो इन सबको आपस में इंटरलिंक्ड करके रखता है। अब होता क्या है कि एक चीज़ और कि इसमें से जितनी ये 8 बनाई है मैंने, यानी हर एक जो एमएमसी है उसकी जो प्लॉयडी होगी वो अपने आप में होगी 2n, दैट इज़ वी कॉल्ड सिंपली द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम इसको? ये डिप्लॉयड प्लॉयडी की होती है, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है, और जो कुछ इसमें एमएमसी कुछ ऐसी भी होती है, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ये इतनी एमएमसी जो है वो डिजनरेट हो जाती हैं ताकि बेटर डेवलपमेंट हो सके जो हमारी रिमेनिंग एमएमसीज हैं। तो कुछ नरिशमेंट देने के लिए भी, अच्छी ग्रोथ होने के लिए भी एमएमसी डिजनरेट हो जाती हैं कुछ, और बाकी जो बचती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी प्लाज्मोडेस्माटा से। और ये हमारी जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ये एमएमसी या पीएमसी हम इनको बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब हमें इन कुछ समय के बाद ये आइसोलेट होती हैं। आइसोलेट जब इनको होना होता है तो एक लेयर बीच में आती है जिसको देखिए ये इंटरनल लेयर है। मैं सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो लेयर है इंटरनल, वो लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलॉस। क्या बोलेंगे? कैलॉस। ये जो कैलॉस है ये हमारा जो केमिकल है, इस केमिकली इसको हम लोग बोलते हैं β1,3-glucan। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैलॉस की जो केमिकल नेचर होती है वो क्या होती है? तो ये आपका β1,3-glucan होता है। और जब ये बन जाता है तो जो आपके सामने अभी ये कंजुगेटेड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी एमएमसी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने केवल आपको समझाने के लिए ये नंबर लिया है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी जा सके। नंबर एक फिक्स नहीं है, 8 मैंने ये एमएमसीज को बाहर निकाल दिया ताकि आपकी जो क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की वो बनी रहे। तो देखिए अब जो ये इसकी सबकी प्लॉयडी कितनी है, ये सब 2n होंगी, यानी कि ये सब पोटेंट हैं माइक्रोस्पोर को डेवलप करने के लिए। अब होता क्या है कि 11th का कुछ रिकॉल करिए कि ये सारी, अब मैं इसमें से एक को ले लेता हूँ। देखिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब हम इसको एक को लेंगे तो कुछ इस तरीके की हमें प्रोसीडिंग्स मिलेंगी। एक में क्या होगा कि ये अब परफॉर्म करेगी एक डिवीज़न जिसे हम लोग बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। और मियोसिस में जिसका सेकेंड नेम वी कॉल्ड इट रिडक्शनल डिवीज़न। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शनल डिवीज़न। जो रिडक्शनल डिवीज़न जो होगा तो आपको पता है कि प्लॉयडी हाफ रह जाती है, यानी जो 2n है वो इक्वल टू n। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस में जो लास्ट फिनोमेना है आफ्टर द न्यूक्लियस डिवीज़न, दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस होगी, और मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए कि साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4
हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इसको, फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई शुरू में बनेंगे, न्यूक्लियानी न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि वो साइटोकाइनेसिस करेंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनटू फोर सेपरेट सेल्स, इनटू फोर सेपरेट सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और, विच आर अरेंज्ड इन, विच आर अरेंज्ड इन टैटर्ड, टी ई टी आर ई डी, विच इज अरेंज्ड इन ए टैटर्ड। क्योंकि आपको पता है, रिकॉल करिएगा 11th का, कि जो हमारी मियोसिस है उसमें हमेशा हमें आपके फोर सेल्स एट द एंड ऑफ द डिवीजन हम लोगों को मिलती हैं। अब देखिए ये जो टैटर्ड कंडीशंस हैं, अब मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बताऊँगा कि ये किस किस तरीके की टैटर्ड फॉर्मेशन हो सकती है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं जो आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक टॉपिक और ले लेता हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टैटर्ड, मतलब जो टैटर्ड हैं वो हमारे किस किस तरीके से अरेंजमेंट शो करते हैं। तो देखिए मैं एक तो आप बहुत ही सिंप्लीफाइड बना रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। केवल देखिए ये जो मैंने बनाया है ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन। अब आप कहेंगे सर ये तो थ्री दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली इसमें जो टेट्राहेड्रल है ये क्या है, टेट्राहेड्रल, और जो इसमें जो फोर्थ वन है वो बिहाइंड, 3D स्ट्रक्चर है तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम इसको दिखाएंगे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगा टेट्राहेड्रल का, तो इसको हम लोग, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, तो ये दिखाई दे रहे हैं तीन लेकिन होंगे ये चार, टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर हमें मिलेंगे। यानी कि जो हमारा MMC था, यानी जो ये PMC थी, ये PMC पोटेंट या PMC थी, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सब में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस से हमें क्या मिला, ये टैटर्ड हमें स्ट्रक्चर मिला जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। तो ये चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये हमारे बन चुके हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन आपके सामने हैं। और जो दूसरी कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री आप लोग अपने अंदर देखते ही हैं ह्यूमंस में। अभी देखिए ये इस तरीके से जो ये चार बने हैं, दैट इज सिंपली द आइसोबाइलेटरल। अब क्या होता है कि आप कुछ स्पेशल भी हम लोगों को मिलते हैं, जैसे डेकोसेट, ये जो डेकोसेट है ये आपका मैग्नोलिया, किसमें मिलेगा, मैग्नोलिया में। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा, पहले आप इस तरीके से बना लीजिए ये। तो ये हमारे पास जो अब बनाया है ये भी देखिए आपके पास एक प्रेजेंट है, तो हम लोग इस टाइप के जो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोरिक अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डेकोसेट, क्या बोलेंगे, डेकोसेट। और ये जो डेकोसेट कंडीशंस हैं ये आपको मिलेंगी मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। तो एक अरेंजमेंट हमारा ये हो गया टेट्राहेड्रल, ये हो गया हमारा आइसोबाइलेटरल, इसका नाम क्या है, आइसोबाइलेटरल। और जो तीसरा है दैट इज़ द डेकोसेट, और लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, और एक टी शेप्ड भी मिलता है जो कि आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एरिस्टोलोकिया में भी ये मिलता है। तो एक हम और बना देते हैं, ये जो आपके सामने ये मैं बना रहा हूँ ये सिंपली एक हमारे पास टी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरिस्टोलोकिया। तो ये किसका, इसका नाम क्या होगा, टी शेप्ड, ये अरेंजमेंट का नाम क्या है, टी शेप्ड। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एरिस्टोलोकिया। तो ये हमने आपको पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने रख दी कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो पहले आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन जो कैलॉस है, जो वॉल है, आप 11th में याद करिएगा,
कि कैलॉस हमारा कहाँ पर बनता है। ये आपको एक टास्क भी मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिकॉल भी करते रहिएगा, क्योंकि मेरे जो चैनल का जो सिंप्लीफाइड मैंने बायो है उसकी जो थीम है वो सिर्फ यही है, रीड, रिमेंबर और रिवाइज। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नियर आते रहेंगे। तो अपने मेडिकल प्लस एकेडमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी एनर्जी को सेव करिए और यूटिलाइज़ करिए इन द प्रॉपर डायरेक्शन में। तो ये जो कनेक्शन होगा वो हमारा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, शुरू में इंटरकनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन, और बाद में ये कैलॉस के बन जाने से ये सारी की सारी जो हमारी जो MMC हैं या PMC हैं, पोलन मदर सेल, ये आपकी आइसोलेट हो जाती हैं, ये परफॉर्म करेंगी मियोसिस और हमें माइक्रोस्पोर टेट्रड मिलता है, जिसका अरेंजमेंट अभी आपको मैंने सामने ये दिखाया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, और इसकी जो फुल डिटेल है इसकी ये ज़रूर देख लीजिएगा, इसको पूरी डिटेल में मैंने इसको समझाया गया है, और ये मेरे L2 वीडियो में मिलेगा जो कि क्लास 12th को डेडिकेटेड है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।